तुम ना ये बेच दो, वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम परेशान हो, मैं ये सब थोड़ी पहनूंगी। खबरदार, ताज तो तुमने इसके बारे में बेचने का सोचा भी। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। अभी अल्लाह जानता है कि मैं तुमसे बात करते हुए कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं जानती हूं, लेकिन लेकिन क्या, सब कुछ तुम्हारे सामने है। दुकान से इतना सारा पैसा शादी पे खर्च हुआ, फिर अब सेल भी नहीं हो रही है, नए माल के लिए पैसा तक नहीं है, और अब ये रोज की हड़ताल। कौन सा मैं हमेशा के लिए मांग रहा हूं, जैसे आएंगे मैं वापस दे दूंगा। तो कहीं जॉब भी नहीं लग रही, जहां लग रही थी वो दाऊद से मैं तो नहीं बोल रहा कुछ। उसे कुछ कहने की जरूरत है भी नहीं, राजिक थोड़ी है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इकबाल भाई से खुद ही बात कर लूं। इकबाल भाई को तुम जानते हो मती, वो तो मुझसे पहले ही चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं, बहन हो तुम उनकी, वो तुम्हारे अकलौते भाई हैं। जिस घर से तुम आई हो वो तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारा भी तो हिस्सा है ना उसमें। मैं अपना हिस्सा नहीं मांगूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं हिस्सा मांगने के लिए नहीं बोल रहा, बस लोन मांगने का बोल रहा हूँ, कुछ वक्त के लिए। तुम एक काम करो, एक मिनट। क्या कर रही हो अभी? तुम ना ये बेच दो, वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम परेशान हो, मैं ये सब थोड़ी पहनूंगी। खबरदार, ताज तुमने इसके बारे में बेचने का सोचा भी? कर्जा लेके इतनी मुसीबतों से बनवाए, बेच दो। तुम्हारी अम्मा ने कौन सा कोई ढंग की चीज हमें जहेज में दी है जिसको बेच के हम कुछ कर लें? और बात सुनो, ये तुम्हारे भैया जी जो हैं अपने बहनोई के लिए 10-15 लाख रुपए नहीं निकाल सकते? और वैसे भी जब इस पैसे से कारोबार होगा तो अय्याशी तो तुम ही करोगी ना उस पे। और तुम उल्लू बनना छोड़ दो अपनी बीवी के हाथों। ला इधर दो मुझे, इधर दो मुझे, ये पता चले बेच के सायमा बीवी के लिए नए जेवर बन रहे हो। अरे तुम्हारे से देती हो तो खुद उठाओ। बेचेंगी को ना बेच दो, बढ़िया ही कहीं से। सो अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारी लंदन नहीं जाऊंगा की प्रमोशंस और रिलीज और फिल्म के गाने और इन सबसे रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके लिए फॉलो द यूट्यूब पेज ऑफ ARY डिजिटल एंड यू विल फाइंड अस देयर विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड।